नंबर फोर, ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हम हमारी जो वेबसाइट थी ना, जो सीवी वाली या रेसिपी वाली, वो मोर और लेस एक ही वेबसाइट है असल में, सीवी वाली या रेसिपी वाली, वो जस्ट अनदर वेबसाइट होगी। वेल, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे उससे। अच्छा, वो एक स्टेप आगे क्या बढ़ जाएंगे कि अभी तक हमने जो वेबसाइट बनाई थी वो जस्ट एक पेज की वेबसाइट होती थी, सिंगल पेज वेबसाइट। हालांकि आमतौर पे जो इंटरनेट पे हम वेबसाइट विजिट करते हैं वो एक पेज की नहीं होती, वो दो या तीन या चार पांच पेज की होती है। ऊपर एक नेविगेशन बार बना हुआ होता है कि जी होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट और गैलरी, इस तरह वो लगे होते हैं। फिर आप होम पे क्लिक करें तो वो होम पेज पे आता है, अबाउट पे क्लिक करें तो वो एक डिफरेंट पेज होता है, फिर वापस होम पे भी आ जाते हैं, फिर दोबारा अबाउट पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह से होती है एक नॉर्मल वेबसाइट ना, तो वो वाला जो फिनोमेना है ना वो लिस्ट के बगैर पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अभी तक हमने वो नहीं किया, अभी ये लिस्ट आ गया तो अब हम इंशाल्लाह वो भी करके देखेंगे। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। अब एक से ज़्यादा पेज की अगर वेबसाइट है तो उनके आपस में लिंक कैसे उसके दरमियान बनाना है। अच्छा, लिंकिंग टू अदर साइट्स, कुछ सम टाइम बटन ऐसे भी होते हैं वेबसाइट पे कि जिसको आप क्लिक करते हैं ना तो वो एक दूसरी वेबसाइट पे आपको लेके चला जाता है। एक तो होता है कि जी बटन क्लिक करते हैं तो उसी पेज, उसी वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस पे वो जा रहा होता है। एक होता है कि किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा ईमेल लिंक्स का उसको एक अलग पेज खुल जाता है, लेकिन मोस्टली वो तो शायद नहीं। मैं एक बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल क्लियर कट, कि जी एक आर्टिकल लिखा हुआ है और लास्ट में उस पर होता है कि जी फॉलो अस ऑन फेसबुक, तो जी अब क्लिक करते हैं तो उनका फेसबुक का पेज, तो फेसबुक इज़ अ डिफरेंट वेबसाइट, वो आर्टिकल से डिफरेंट है। ठीक है, न्यूज़ में भी समटाइम ऐसा होता है, जैसे गूगल न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो गूगल न्यूज़ में क्या होता है कि वो खुद कोई गूगल न्यूज़ नहीं जनरेट करता, वो डिफरेंट न्यूज़ सोर्सेज से ला के ना आर्टिकल की लिस्ट दिखा देता है। तो जब मैं क्लिक करता हूँ न्यूज़ पर तो वो ऑब्वियसली एक नए टैब में खोल रहा होता है उसको, तो बिल्कुल एक दूसरी वेबसाइट पे जो आपकी नहीं है अभी। तो क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना, हम खुद वेबसाइट बना रहे हैं, तो जब ये कह रहे हैं ना कि लिंकिंग टू अदर साइट्स, तो इसका मतलब है कि जो हमने जो साइट बनाई हुई है ना अपनी वाली, उससे मुख्तलिफ होगी, वो कोई दूसरी होगी, इंटरनेट पे मौजूद कोई भी वेबसाइट। अच्छा, ईमेल लिंक्स होंगे उसके अलावा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ईमेल लिंक्स क्या होते हैं कि जी किसी लिंक पे आप क्लिक करते हैं ना तो ईमेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है और उसमें ईमेल लिखा हुआ आ जाता है और सब्जेक्ट लिखा हुआ आ जाता है और थोड़ा सा कोई टेक्स्ट भी हो सकता है लिखा हुआ आ जाए, इस तरह शायद आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो। अच्छा, लेकिन हम असल में ईमेल के दौर से निकल चुके हैं बाहर। ईमेल का दौर अब वो शायद 10-15% ऐसा बचा है कि जी अब ईमेल करते हैं एक दूसरे को लोग, जो सिर्फ कॉरपोरेट्स वगैरह में या कुछ ऐसे है ना जो वो ईमेल बचा है बस, बाकी जो पर्सनल लेवल पे क्यों, जब ईमेल तो क्योंकि शुरू शुरू में आई थी ना, लोग एक दूसरे को पर्सनली ईमेल करते थे, तो अभी क्या करते हैं पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं, है ना। ईमेल के बाकायदा लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए होते थे, तो वो ईमेल के ग्रुप में मैसेज चलाते थे तो वो सब लोगों को पहुंच जाता था। तो पता नहीं आप में से किसी ने मैंने तो नहीं देखा वो टाइम, आपने देखा है ना, ईमेल के वो ग्रुप्स बनते थे। तो अच्छा, वो हम उस वक्त छोटे छोटे होते थे तो हमने अपनी खालाओं वालाओं को देखा है कि अच्छा जी, कज़न वज़न को कि अच्छा जी ईमेल के ग्रुप में बात कर रहे होते थे तो ईमेल ग्रुप का जिक्र होता था, याहू वाहू चैट रूम बनते थे, तो वो टोटली ईमेल पे सारा काम हो रहा होता था। ये उस वक्त मैसेंजर वगैरह ये बिल्कुल नए नए थे, वो याहू के मैसेंजर होते थे, तो लेकिन लोग ना वो मैसेंजर लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता था। अभी तो मैसेंजर ज़्यादा समझ आते हैं, व्हाट्सएप इज़ अ मैसेंजर कि मैसेज जाएगा मैसेज आएगा, ईमेल पर उस वक्त लोगों को ईमेल ज़्यादा समझ आती थी, तो क्या कहते हैं, और ईमेल भी रोबस्ट भी हुआ करती थी, मैसेंजर उस वक्त इतने रोबस्ट नहीं होते थे, तो वो सम टाइम ब्रेक होते थे, मैसेज डिलीवर नहीं होता था, मिस हो जाता था। ईमेल में ये मसले नहीं हुआ करते, ईमेल बड़ा रोबस्ट हुआ करता था, स्टेबल टेक्नोलॉजी थी। तो वो ईमेल का जो लिंक इसने जिक्र तो किया है ना, लेकिन अब ईमेल का दौर हो गया ख़त्म, अब हमारे पास दौर आ गया व्हाट्सएप का, तो हम व्हाट्सएप का लिंक लगाना सीखेंगे। आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट पर जब क्लिक करते हैं एक लिंक के ऊपर तो वो व्हाट्सएप खोलने की कोशिश करता है और व्हाट्सएप खोल के एक नंबर की स्क्रीन ला देता है और उसमें कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है और बस क्लिक करो तो वो मैसेज चला जाता है। उससे बेनिफिट ये होता है कि नंबर सेव वेव नहीं करना पड़ता, बस डायरेक्ट ही इस्तेमाल हो जाता है। तो वो वाला लिंक हम देखेंगे, ईमेल भी देख लेंगे, वो वाला भी देखेंगे। अच्छा जी, तो इन्होंने चैप्टर का जो आगाज़ किया है वो कह रहे हैं कि लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब। तो ये लिंक जो है ना, ये डिफाइनिंग फीचर है। हमने वेब डिस्कस किया था कि वेब क्या है,
वेब वैसे तो मकड़ी के जाल को कहते हैं, लेकिन हमारा जो ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का जो जाल है पूरी दुनिया में बिछा हुआ है, जिसमें हम सबके कंप्यूटर उस जाल का पार्ट है, हम सबके कंप्यूटर से मिल के वो जाल तैयार हुआ है, तो उस जाल को हम वेब कहते हैं, ठीक है। और उस जाल के हर एक कंप्यूटर को एक आईपी मिली हुई है, और हर एक कंप्यूटर को जो है वो एक दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकता है वो उस आईपी के ज़रिए। ये हमने डिटेल डिस्कशन की थी। तो ये इस वेब का, अब हम जो कहते हैं ना कि वेबसाइट, तो यानी उस जाल के अंदर कोई एक साइट, कोई एक लोकेशन, कोई एक कंप्यूटर इज़ अ वेबसाइट। हमने ये देखा था कि उस जाल में मौजूद कुछ कंप्यूटर सर्वर होते हैं, कुछ कंप्यूटर हमारे पर्सनल होते हैं, तो वो वेबसाइट जो है उस जाल में कोई कंप्यूटर होता है। तो ये कह रहा है कि जो वेब है ना, इसका डिफाइनिंग फीचर है ये लिंक्स। अच्छा क्यों? बिकॉज दे अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर और वन वेबसाइट टू अनदर। अच्छा, तो वेब ब्राउजिंग जो टर्म इस्तेमाल होती है कि वेब को ब्राउज कर रहे हैं, ब्राउजिंग का मतलब वैसे ये होता है कि जब आपने कोई बुक अगर खोली हुई है तो बुक क्या जैसे आप पन्ने पलट रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अच्छा जी क्या होता है इस बुक के अंदर, तो वो उस फिनोमेना को अंग्रेज़ी में ब्राउजिंग करके बोलते हैं। या आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में या किसी मॉल में आप चले गए, आप ज़रा देख रहे हैं कि अच्छा जी यहाँ पे अच्छा लिवाइज़ भी हो जाता है यहाँ, और यहाँ अच्छा जी डंकिन डोनट्स वाले भी इधर हैं, तो आप ऐसे ये नज़र मार रहे हैं कि अच्छा जी क्या क्या है यहाँ पे, ज़रा फील लुक एंड फील ले रहे हैं उसकी, तो वो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्राउजिंग, ठीक है। तो इंटरनेट पे भी क्या होता है कि आप जी एक वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि अच्छा जी यहाँ पे क्या मौजूद है, सम टाइम आपको इन्फॉर्मेशन तलाश कर रहे होते हैं, सम टाइम आप जो है वो इंटरटेन कर रहे होते हैं अपने आप को, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे। तो एक्चुअल में वो सारा जो है ना वो ब्राउजिंग, उसको इसलिए कहते हैं। तो इनेबल द वेरी आइडिया ऑफ ब्राउजिंग और सर्फिंग। सर्फिंग वैसे तो वो गेम होता है, वो पानी होता है, उसके बाद आप यूँ स्पीड में निकल रहे होते हैं, तो वो ब्राउजिंग और सर्फिंग दोनों टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट के आगे आप बैठे होते हैं, जब वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं डिफरेंट, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये लिंक नहीं होते ना तो ये ब्राउजिंग होती कैसे, क्या क्लिक करने से दूसरे पेज पे जाता ही नहीं, वो एक ही पेज पे खड़ा रहता। तो ये वाला डिफाइनिंग फीचर इस वजह से। अच्छा, चार पाँच तरह के ये लिंक देख रहा है कि जी वन वेबसाइट टू अनदर और वन पेज टू अनदर पेज ऑफ द सेम वेबसाइट, लिंक फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेब पेज टू अनदर पार्ट ऑफ द वेब पेज। आपने सम टाइम ये देखा होगा कि किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो बजाय दूसरे पेज पे ले जाने के या बजाय पेज को चेंज करने के वो उसी पेज को स्क्रॉल कर देता है, हाँ स्क्रॉल करके या तो नीचे या तो ऊपर ले जाता है। आप आमतौर पर बटन आजकल आपने देखा होगा वेबसाइट में कि गो टू टॉप का एक बटन होता है, अगर आप ज़्यादा स्क्रॉल करके नीचे आ गए तो गो टू टॉप का बटन दबाते हैं तो वापस टॉप पे चले जाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी अब नए मैसेजेस अगर आ गए और आप पीछे स्क्रॉल कर रहे हैं तो गो टू बॉटम का एक बटन आ जाता है, तो आप करते हैं तो वो नए मैसेज पे आपको लाके खड़ा कर देता है। तो ये वाला भी एक लिंक होता है कि जी सेम पेज पे जो है ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे नेविगेट करवा देता है आपको। अच्छा, लिंक्स दैट ओपन ए न्यू ब्राउज़र विंडो, ऐसा लिंक जिस पे क्लिक करने से वो नए विंडो में खुले। एक तो ये ना कि दूसरी वेबसाइट खुलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरी वेबसाइट नए विंडो में खुले, सेम विंडो में भी खुल सकती है। तो दूसरे विंडो में खोलने के लिए क्या करना होगा वो यहाँ पे हम देखेंगे। लिंक्स दैट स्टार्ट अप ईमेल प्रोग्राम, जो ईमेल लिंक की बात हो रही है, और हमारे केस में हम व्हाट्सएप को भी ज़रा नज़र मारेंगे। अच्छा, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर इन्होंने ये एक ना फिल्म फोक के नाम से एक वेबसाइट तैयार की है जिसमें एक से ज़्यादा पेजेस हैं, और इसमें देखें ये ब्लू ब्लू है ना, ये लिंक है, इसको क्लिक करने से ये किसी दूसरे पेज पे जाता है इसी वेबसाइट के या डिफरेंट वेबसाइट के, ठीक है। इसका कोड भी इसने चैप्टर के आखिर में शेयर किया होगा। अच्छा, तो हमने ये वाला नहीं करना, मैं आपको एक डिफरेंट टास्क दूंगा। चार पेजेस की एक वेबसाइट हम बनाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वो चार पेजेस यानी होम, अबाउट, गैलरी और कॉन्टैक्ट, जो क्लासिकल चार पेजेस होते हैं मिनिमम, वो आपने बनानी है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। अच्छा, राइटिंग लिंक्स, लिंक्स का जो टैग है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग एंकर एलिमेंट, ठीक है, इसको ये जो ए है ना इसको एंकर पढ़ते हैं। यूजर कैन क्लिक ऑन एनीथिंग बिटवीन ओपनिंग एंकर टैग एंड क्लोजिंग एंकर टैग, है ना, कोई भी, जैसे मैंने लिखा कि फॉलो अस ऑन फेसबुक, ऐसे ये बात लिखी मैंने, तो उसको मैं एंकर टैग इधर इनक्लोज करूँगा और इधर इनक्लोज करूँगा, तो वो क्या होगा, ये पूरा वर्ड जो लिखा है मैंने, पूरा जो मैंने बात लिखी है कि फॉलो अस ऑन फेसबुक, ये पूरा ब्लू हो जाएगा और ये पूरा क्लिकेबल हो जाएगा। तो यूज़र कैन क्लिक एनीथिंग बिटवीन एंकर ओपनिंग टैग और एंकर का क्लोजिंग टैग। जो यू स्पेसिफिकली यू स्पेसिफाई विच पेज यू वॉन्ट
टू लिंक यूजिंग द एच रेफ एट्रीब्यूट. अब एक एच रेफ के नाम से एक एट्रीब्यूट है ये रहा. आप अगर इसको गौर से देखें तो ये ओपनिंग टैग है इतना बड़ा सारा, बीच में लिखा हुआ है IMDB और ये आ गया क्लोजिंग टैग. अच्छा, एट्रीब्यूट जब हमने पढ़ा था तो उसमें जिक्र हुआ था कि एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग पे ही लग सकता है, ठीक है. तो इस वजह से ओपनिंग टैग पे एट्रीब्यूट लगा, इस वजह से ओपनिंग टैग बड़ा हो गया. अच्छा, तो ये पूरा का पूरा क्लिकेबल हो गया. उसके बाद HREF के एट्रीब्यूट में एक इसने URL दिया. अच्छा, URL दिया एक ख़ास फॉर्मेट में, जो URL का एक प्रॉपर फॉर्म. वैसे तो हम लिखते हैं कि भाई IMDB.com, तो वो गूगल क्रोम तो समझ जाता है, लेकिन गूगल क्रोम इसलिए समझ जाता है क्योंकि गूगल क्रोम स्मार्ट है. उसको पता है कि अच्छा जी HTTPS नहीं लिखाया इसने. अगर इसने जस्ट facebook.com लिखा है तो इसका मतलब है कि https://www.facebook.com, इसका ये मतलब है. वो इसको आइडेंटिफाई कर लेता है. बट यहाँ पे ना आपको ये पूरी बात बतानी पड़ती है, ठीक है. यहाँ पे आप जस्ट facebook.com लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा. ये जो URL का एक क्लासिक फॉर्मेट है, आपको वो बताना पड़ेगा. अच्छा, जो लिखा हुआ URL है ना किसी भी वेबसाइट के ऊपर, जो लिखा हुआ, जैसे ये URL है, अगर इस URL को मैं कॉपी करूँगा ना, राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं इसको कहीं भी जाके, हालांकि इसमें HTTPS नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कॉपी जब करूँगा तो स्टैंडर्ड URL के फॉर्मेट में ही कॉपी हो गई, क्योंकि एक्चुअल में URL होता ही वैसा है. अब मैं इसको कहीं पे जाके कॉपी करता हूँ, VS Code मैंने खोला हुआ है. हाँ, ये VS Code, अच्छा VS Code ही नहीं खोला हुआ मैंने, VS Code पे चलते हैं ना, ताकि मैं इसको पेस्ट करूँ कि जी क्या कॉपी हुआ है. ओके, ठीक है, ये आप देखें मैंने पेस्ट किया ना इसको, जब तो इसके शुरू में HTTPS लिखा हुआ गया, हालांकि गूगल क्रोम पे ये पार्ट शो नहीं हो रहा था. गूगल क्रोम पे डायरेक्ट developer.mozilla शो हो रहा था, है ना. वापस अगर मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ना ये developer.mozilla से कहानी शुरू हुई थी, है ना. लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अच्छा डबल क्लिक करने से वो पूरा शो भी कर दे रहा है बाय द वे, ठीक है. अब इन्होंने एक एक्सपीरियंस अपना बनाया है, एक अच्छा एक्सपीरियंस डेवलप किया है गूगल क्रोम वालों ने, सोच समझ के किया है, ठीक है. तो जब उसको कॉपी करते हैं तो वो पूरा क्लासिक फॉर्मेट में होता है. तो जी यही क्लासिक फॉर्मेट जो है URL का जो है वो हमें इसमें देना होता है. अच्छा, रिजल्ट उसका कुछ इस तरह से आएगा, IMDB लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करने से IMDB की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, ठीक है जी. IMDB एक वेबसाइट है, इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस, जिसमें जितनी भी पूरी दुनिया में मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, ये एक अदारा है जो उसको अपने पास सॉर्ट करके रखता है और अपने पास उसकी सारी इंडेक्सिंग वगैरह करता है. तो पुरानी से पुरानी जो मूवीज़ हैं वो अगर किसी को चाहिए होती हैं तो वो इधर आता है. अच्छा जी, तो वो तो डायग्राम हो गई, ये बनता कैसे वो हो गया. अब यहाँ से ये कहानी शुरू की है इसने कि जी अब करना क्या है. लिंक टू अदर वेबसाइट, लिंक टू अदर वेबसाइट के लिए इसने बोला कि भाई एक अदद बनाओ पैराग्राफ. अच्छा, क्योंकि लिंक तो किसी ना किसी फॉर्म में होंगे ना, तो इसने बोला कि भाई एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है मूवी रिव्यूज़, और उसके नीचे क्या है, एक URL है, ठीक है, एक URL है उसके अंदर, अनऑर्डर्ड लिस्ट है. अच्छा, अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम नंबर 1, लिस्ट आइटम नंबर 2, लिस्ट आइटम नंबर 3 और लिस्ट आइटम नंबर 4, तो चार उसके अंदर लिस्ट आइटम है. अच्छा, लिस्ट आइटम के अंदर अगर आप देखें कि लिस्ट आइटम यहाँ से शुरू है और यहाँ पर लिस्ट आइटम ख़त्म है, इसके दरमियान में आम तौर पे जो इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा है कि टेक्स्ट लिख दिया जाता था, है ना. मिसाल के तौर पे रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं अगर, तो एग है और प्याज है और ये वो लिस्ट एक बनी हुई होती थी. बट यहाँ पे हमने ये देखा कि बजाय एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट लिखने के, यहाँ पे एक पूरा एंकर एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है. अच्छा, तो और दूसरे में भी लिस्ट में भी यही है, फिर तीसरे लिस्ट में भी यही है, फिर लास्ट वाले लिस्ट में भी यही है, जो जितने भी लिस्ट आइटम थे सब में इन्होंने एक एक लिंक लगाया था. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं डायरेक्ट ऐसे लिंक लगा दूं, मैं ये भी कर सकता था कि पहले लिख देता कि जी दिस वेबसाइट इज़ बेस्ट गेमिंग वेबसाइट, कॉलन लगा के फिर वो लगा देता, ठीक है. लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने इस तरह किया. रिजल्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. तो लिस्ट में चार आइटम थे, चारों के अंदर एंकर टैग था, तो आप देखें चारों थोड़ा थोड़ा ब्लू हैं और ये क्लिकेबल है, ठीक है. लिंक के ऊपर आप जब हाथ लेके जाते हैं तो ऐसा एक हाथ बना हुआ आता है, ऐसे मुट्ठी वाला, और ऐसे फिंगर निकाल के आ रहा होता है, ठीक है. अभी ये तो ये फोटो इसलिए नहीं आ रहा, अभी हम जब इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो वो आ रहा होगा बराबर. अच्छा जी, तो यहाँ पे इसने एक बात लिखी है
कि व्हेन यू लिंक टू अ डिफरेंट वेबसाइट द वैल्यू ऑफ एचरेफ एट्रीब्यूट विल बी द फुल वेब एड्रेस ऑफ द साइट विच इज नोन एज एब्सोल्यूट यूआरएल. अच्छा, ये जो यूआरएल लिखा हुआ है ना http://, और ये variety.com तक जो लिखा हुआ है, ये एक कंप्लीट यूआरएल है. किसी भी वेबसाइट का ब्राउज़र में लिखेंगे ये पहुंच जाएगा वहाँ पे. तो इस तरह का जो कंप्लीट यूआरएल होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल. ठीक है. अच्छा, और जब हम किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रहे होते हैं जो मेरी वेबसाइट से मूव कर जाएगा कहीं और, तो उस पॉइंट पे हम ये वाला यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल. अच्छा, एब्सोल्यूट यूआरएल के अलावा भी एक होता है, अभी वो आगे आ जाएगा कि वो दूसरी टाइप कौन सी होती है. अच्छा, मेरा ख्याल है लेकिन कि आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, है ना. आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में मेरा टारगेट होगा कि इस लिंक को पूरा हम कंप्लीट कर लें. अच्छा, आज की क्लास का टास्क भी मैं दे चुका हूँ आपको, है ना, वो लास्ट चैप्टर, सॉरी, हाँ वो बिरयानी नहीं, हर बंदा अलग डिश की अपनी अपनी फेवरेट डिश की, एक दूसरे से पूछना नहीं है कि आप क्या बना रहे हो, आपको जो भी पसंद है आपने वो बनाना. मैं देखें ये इस वजह से कहता हूँ ना ताकि डाइवर्सिटी हो, ना डाइवर्सिटी हो. हाँ, तो ये इस वजह से मैं करता हूँ ताकि डाइवर. अब मैं अगर ये कह दूंगा ना कि नहीं जी बिरयानी की रेसिपी की वेबसाइट बनानी है, तो वो क्यों सब लोग एक ही चीज़ कर रहे होंगे, तो वो डाइवर्सिटी नहीं होगी, वो बात नहीं होगी, है ना. तो मैं कुछ 50% जो आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये डिसाइड करें ताकि आपकी अपनी जो क्रिएटिविटी है ना वो भी निकल के सामने आए, है ना, और वो अलग अलग बने. अच्छा, फिर वो किसी को आप दिखाएं ना तो वो हर स्टूडेंट जो दिखा रहा हो वो तो एक ही वेबसाइट हो, तो हमने तो फेसबुक लाइव भी करना है ना यहाँ पे, है ना. तो हर बंदा अगर एक ही जैसी बनाएगा ना तो फिर वो मज़ा भी नहीं आता. मैं हर बंदे के पास जाऊँ तो उसकी कोई दूसरी बनी हो. अच्छा, वो हो भी जाए, दो चार लोगों की सेम, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी एलिगेशन भी नहीं है कि नहीं. हाँ, तो लेकिन वो डाइवर्सिटी ताकि रहे कि हाँ जी अच्छा इसने क्या बनाया, इसने, तो अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें शामिल हाल रहे. ठीक है जी, तो बस यहीं तक रखते हैं फिर आज की क्लास. हम असाइनमेंट में दे चुका हूँ, अब ये वाला चैप्टर हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर का असाइनमेंट फिर मैं अगली क्लास में आपको दूंगा. तो कोशिश कीजिएगा कि जो अभी असाइनमेंट मिला है ना वो आप आज ही बना लीजिएगा, यानी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले बना लीजिएगा ताकि अगले क्लास में अगला असाइनमेंट आपको मैं दे सकूँ. अच्छा, और जैसे ही अगली क्लास में हम आएंगे, आज बाय द वे हमारे पास वेनसडे है ना, तो अब अगली क्लास हमारी मंडे को होगी, तो काफ़ी दिन है हमारे पास. तो मंडे वाले दिन जो है हम इंशाल्लाह एक फेसबुक का लाइव सेशन भी करेंगे, जिसमें जो जिसने अच्छा बनाया होगा ना वो हम ज़रा दिखाएंगे फेसबुक पे, यार मार्केटिंग है. ठीक है, और आप सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी असाइनमेंट्स आप बना रहे हैं वो आपने अपने अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपने शेयर करना है लोगों से. ठीक है, लोगों से शेयर करना है, लोगों को बताना है. तो थोड़ी मार्केटिंग आप खुद करेंगे, थोड़ी क्या, आप अपनी तो खुद ही करनी होती है, मैं थोड़ी बहुत कर दूंगा आपकी हेल्प, लेकिन एक्चुअल में हर बंदे को अपनी मार्केटिंग खुद करनी है. ठीक है जी, चलें, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी. अल्लाह हाफिज़.